लेट अस डिस्कस के हमने भी ये देखा कि ऑप्शनैलिटी क्या चीज थी अब ही मैं देखते हैं कि कार्डनेलिटी क्या चीज है क्योंकि मैंने जिसमें बताया था कि जो रिलेशनशिप है वो इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओ एन सी ऑप्शनैलिटी हमने भी डिस्कस की है अब कार्डनैलिटी को हम अभी डिस्कस कर लेते हैं बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन अमूमन जब uh, आप लोग बुक्स पढ़ेंगे तो यू विल गेट कंफ्यूज अगेन आई एम रियाल्ट्रेटिंग जो नोटेशन हम यूज कर रहे हैं दैट इज क्रोफुट नोटेशन उसके अंदर हम ये साइड डिस्कशन कर रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप बुक्स के अंदर कोई और नोटेशन पढ़ें तो वो गलत है ऐसा नहीं है आपने कोर कॉन्सेप्ट को समझना है कि कार्डोनैलिटी एक्चुअली है क्या कोई भी नोटेशन हो द कॉन्सेप्ट विल रिमेन द सेम इट जस्ट अ मैटर ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट को समझें तो कार्डोनैलिटी बेसिकली ये होती है कि वॉट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड दैट कैन एग्जिस्ट इन अ चाइल्ड टेबल पर पेरेंट रिकॉर्ड अगेन सिंपल के हमारे पास अगर एक टेबल ए है और दूसरा टेबल बी है कर्नैलिटी हमको यह बताता है हमको ये बताती है कि एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट जो अगर पैरेंट टेबल का है अगर पैरेंट टेबल के एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन अ चाइल्ड टेबल कितने आ सकते हैं तो अब देखें जो ऑप्शनलिटी थी जो हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले वो बेसिकली बता रही थी मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड और जो कार्डनैलिटी है वो बेसिकली आपको बता रही है मैक्सिमम नंबर ऑफ रेकॉर्ड ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल में कितने आ सकते हैं किसी एक पेरेंट टेबल के एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट अब ये बेसिकली कार्डनेलिटी का कॉन्सेप्ट है दूसरा इसका कॉन्सेप्ट यह है कि ये ईआरडी के अंदर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक लिमिटेशन ये है कि हम या तो मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड बता सकते हैं इट कैन बी और जो कि ऑप्शनलिटी थी या हम बता सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ रेकॉर्ड विच विलो और मोर देन वन सिंपल लेकिन अगर आपके दिमाग में यह कॉन्सेप्ट है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड को भी लिमिट कर दें यानी हम अगर फॉर एग्जाम्पल ये कहें कि जी एक पेरेंट टेबल के एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट चाइल्ड टेबल में ज्यादा से ज्यादा 20 रिकॉर्ड आ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल तो ये पॉसिबल नहीं है ये ईआर के अंदर ये रिप्रेजेंट करना इट इज बेसिकली नॉट पॉसिबल तो वी विल ओनली वी कैन ओनली से मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो ऑप्शनलिटी ने बताया एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड या मोर देन वन सिंपल तो ऑप्शनलिटी को बेसिकली हम लोग लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और जो ऑप्शनलिटी होती है ये अमूमन Yeah, यूं कह लें कि या तो इट विल बी ग्रेटर देन और लेस देन और अगर optionality न, या अगर कार्डनैलिटी नहीं लिखी हुई तो इट इज द कार्डनैलिटी इज वन ये एक चीज है दूसरी चीज ये है कि जो कार्डनैलिटी है ये लिखी फॉर जिस एंटिटी के साथ लिखी होती है उसको रीड करते हैं ऑपोजिट एंटिटी के साथ इसका क्या हुआ? मतलब है मैं अभी आप, आपको थोड़ी देर में अभी मैं आपको बताता हूं लेकिन सिंपली याद रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बताती है कार्डिनलिटी नंबर नंबर इट इट विल विल कैन ओनली से या या तो मोर देन खत्म जीरो वाली चीज कोई नहीं होती क्योंकि जो जीरो है वो बेसिकली हमने ऑप्शनैलिटी में कवर कर लिया जीरो और वन ऑप्शनैलिटी में कवर हो गया वन और मोर हमने कार्डिनलिटी में कवर कर लिया इन दोनों चीजों को हम लोग जब एक साथ रीड करेंगे तो बेसिकली हमारा रिलेशनशिप जो है वो बेसिकली वो वो बेसिकली फाइनलाइज हो जाएगा आखिरी पॉइंट की जो कार्डिनलिटी है इट इज ऑलवेज ऑलवेज रेड विद द विदोजिट एंटिटी मतलब अगर एंटिटी ए के साथ कोई सिंबल लिखा हुआ है तो वो बेसिकली एंटिटी बी को रेफर कर रहा होगा और जो एंटिटी बी के साथ कोई सिंबल लिखा हुआ है वो एक्चुअली एंटिटी ए को रेफर कर रहा होगा इसका मतलब क्या है अब हम इसको थोड़ा तो एक्सप्लोर करते हैं एग्जाम्पल के जरिए अब जो आपको स्क्रीन के ऊपर जो नजर आ रहा है तो यहां बेसिकली हमारे पास दो एंटिटीज हैं एक एंटिटी हमारे पास ए है और एक एंटिटी हमारे पास बी है बिल्कुल उसी तरह जिससे हमने अभी ऑप्शनैलिटी को देखा था अब अस जस्ट एक्सप्लोर के कार्नैलिटी क्या चीज है अगेन जस्ट लाइक ऑप्शनैलिटी या जस्ट लाइक रिलेशनशिप आपने बेसिकली दो कार्लिटीज को स्टैब्लिश करना है एक है फ्रॉम ए टू बी और दूसरी है फ्रॉम बी टू ए यहां पे जो हमने कार्डिनलिटीज़ को लिखा हुआ है यानी आपको जो ए की साइड के ऊपर आपको ये सिंबल लिखा हुआ नजर आ रहा है लेजन वाला ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एंटिटी बी को बेसिकली तो एंटिटी बी की कार्डिनलिटी बेसिकली यानी फ्रॉम बी टू ए है मोर मोर और जो जो सिंबल हमने लिखा हुआ है फ्रॉम जो एंटिटी बी के साथ लिखा हुआ है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एंटिटी ए को तो हम ये कह सकते हैं जो जो ए टू बी कार्डिनलिटी है दिस इज मोर जब मैं मोर लिखता हूं इट इज बेसिकली सेइंग मोर देन वन और जो जो कार्डिनलिटी फ्रॉम बी टू ए है इट इज अगेन मोर देन वन या मोर जब मोर लिखेंगे तो इट इज मोर देन वन यहां पे सिर्फ पॉइंट ये है कि अगर किसी भी एंटिटी के साथ कोई सिंबल नहीं लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल एंटिटी बी है मैं इसको इंटेंशनली ये मैंने सिंबल खत्म कर दिया अब आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आएगा कि इट इज रॉन्ग ये ये गलत नहीं है इट इज परफेक्टली और राइट क्योंकि जो एंटिटी ए टू बी है यानी जो कार्डिनलिटी फ्रॉम ए टू बी है वो तो कुछ नहीं लिखी हुई तो अभी मैंने आपको बताया कि जब कोई सिंबल नहीं लिखा होता लेस देन का या ग्रेटर देन का टू इट इज एज्यूम्ड टू बी वन इससे मुराद ये है कि इस केस में ये बिल्कुल सही है इसमें कोई गलती नहीं है फर्क सिर्फ यह है कि अब हम जब कार्डिनलिटी को पढ़ेंगे तो बी टू यानी जो बी टू ए वो तो बिल्कुल ठीक है मोर लिखा हुआ है ए के साथ लिखा हुआ वो एक्चुअली के साथ अटैच है इन केस ऑफ कार्डिनलिटी तो वो बिल्कुल सही है फर्क सिर्फ यह है कि अब हम जब जो कार्डिनलिटी फ्रॉम ए टू बी पढ़ेंगे तो ए टू बी मोर नहीं होगा ये बेसिकली मोर नहीं होगा ए टू बी ये बेसिकली अब वन होगा तो वन बेसिकली हम लिखते नहीं है तो इट इज एज्यूम्ड इट इज अंडरस्टूड टू बी वन वेन नथिंग इज रिटर्न इन केस ऑफ कार्डनैलिटी क्योंकि जो कार्डनैलिटी या तो वो वन होगी या मोर होगी मोर रिप्रेजेंट होता है सिंबल से जो कि हमने ड्रॉ किया हुआ है और वन को रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका नहीं है अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इट इज एज्यूम्ड इट इज अंडरस्टूड दैट द कार्डनैलिटी इज वन दैट इज ऑल विच आई वॉन्ट डिस्कस अबाउट कार्डनैलिटी